हेलो फ्रेंड्स, इस बार के सेशन जो है जेआईबी और सीआईबी का कंप्लीट हो चुका है। फिर अगेन जो है नेक्स्ट सेशन नवंबर और दिसंबर और फिर मई और जून, ये सिस्टम चलता रहता है। लेकिन सब लोगों के मन में एक उम्मीद रहती है कि ये जेआईबी हमारा एक सिंगल अटेम्प्ट में कैसे पास हो, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो आपका या आप दो तीन बार से दे रहे हैं, अगली बार में आपका हो जाए। सिंगल अटेम्प्ट क्यों प्रीफर करते हैं आप लोग? क्योंकि उसमें एग्रीगेट का बेनिफिट मिल जाता है। 150 मार्क्स हैं किसी एक सिंगल पेपर में, 45 प्लस मार्क्स हैं, टोटल 150 मार्क्स हैं, तो आपका जेआईबी या सीआईबी क्लियर माना जाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ एक टाइम फ्रेम ले करके एक पूरा स्ट्रेटेजाइज किया है, जिसमें कई एस्पेक्ट मैंने लिए हैं, जिससे आप अपने आप को भी देख पाएं कि आपको किस तरह से स्टडी करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। जनवरी क्यों लिखा है? नॉर्मली क्या होता है, जब नवंबर दिसंबर का एग्जाम होता है तो एक महीने तो बच्चे किताब खोलते ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मई जून में एग्जाम होता है तो एक महीना नहीं खोलते, तो जुलाई से, इसीलिए। और बहुत कन्फाइन करके मैंने सारी चीजें चार महीने में करी हैं। ये चार महीने, तीन महीने, दो महीने, एक महीने या एक वीक, सारी स्ट्रेटजी एक है। क्या होगा, जितना कम समय होगा उतने आपको रीडिंग आवर्स या वॉचिंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। अल्टीमेट क्या है, हमको कोर्स कवर करना है, ठीक है। तो जेआईबी जो एक कोर्स है उसको अगर आपको सिंगल अटेम्प्ट में करना, तो आपसे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ कि हु आर यू, आप कौन है, यानी आप में क्या ऐसी चीज है कि जिसको पहचानने के बाद ही आप डिसाइड करेंगे आप कैसे करेंगे। जैसे आप एक अच्छे रीडर हैं, आप एक अच्छे लिसनर हैं, आप एक अच्छे वॉचर हैं, वॉचर मीन्स वीडियोज या क्लासरूम्स को देखना। क्या प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास अच्छी है, कॉन्सेप्चुअलिटी को पसंद करते हैं या एनालिटिकल्स में आपका ज्यादा ध्यान है। आप सबसे पहले अपने आप को पहचानिए। अगर आप एक अच्छे रीडर हैं तो अच्छे रीडर के लिए बुक, आईएबीएफ की बुक, जो मैकमिलन की बुक है, सफिशियंट है। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मैं जेआईबी की बात कर रहा हूं। आपके पास ये बुक है और आपने ये बुक को अच्छी तरह रीडिंग किया हुआ है तो आपका जेआईबी क्लियर है। क्यों? क्योंकि जेआईबी का पूरा एग्जाम फैक्ट बेसिस पे है। वो घुमा घुमा के पूछता जरूर है, लेकिन जिसने जिसने पांचों फैक्ट पता है किसी के, उसमें से कौन सा गलत उसने दे दिया आप पहचान लेंगे। तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी शुरू से हैबिट रीडिंग की रही है, वो लोग इस चीज का सहारा लेंगे। अब बात आती है लिसनर और वॉचर। अगर आप पढ़ना दो पेज या एक पेज या चार लाइन नहीं पढ़ सकते, तो उस कंडीशन में इसका मतलब आपको कोई दूसरा वो मेथड लेना है। जैसे मैंने कहा कि आप एक अच्छे लिसनर या वॉचर हैं। अगर आप एक अच्छे लिसनर और एक वॉचर हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? अच्छे लिसनर और वॉचर को वीडियो ट्यूटोरियल सबसे बेस्ट रहेगा। कई बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि वीडियो देखे नहीं, सिर्फ कान में लगा लें, सुनते रहें, जैसे सॉन्ग सुनते हैं। अगर आप सुनते रहते हैं रिपीटेशन से ही उसका एक एक सेंटेंस अगर आपके दिमाग में है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि बात मैंने बताई कि जेआईबी पूरा फैक्ट बेस्ड है, फैक्ट में आप इन चीजों को सुनते रहेंगे, याद हो जाएंगे और वहां पे आप कॉन्सेप्चुअलिटी कर पाएंगे, ठीक है। तो लिसनर अच्छा, अब बात आई वॉचर। आप ना पढ़ने से क्वालिफाई कर सकते हैं ना सुनने से। आपको लगता है कि नहीं, कोई सामने हिलता डुलता रहना चाहिए, तो हिलता डुलता रहना चाहिए। तो अगर हिलता डुलता तभी रहेगा जब वीडियो लेक्चर्स होंगे, जो क्लासरूम फीलिंग्स देता है आपको, ठीक है। यहां पर भी क्या है, कुछ ऐसे भी हैं जो पीपीटी रीड करते हैं या बुक रीड करते हैं, तो वहां आपको डिफरेंट होना पड़ेगा। जो पीपीटी या बुक रीड करते हैं उनके लिए ये क्वालिटी होनी चाहिए फिर, ठीक है, समझ में आई बात। तो जो पीपीटी रीड करने का वो करते हैं उनके लिए रीडिंग क्वालिटी होनी चाहिए। जो लोग वॉच करते हैं तो क्योंकि वो अपने आप को सिंक्रोनाइज या कनेक्ट कर पाते हैं उस टीचर से जो बातें बोर्ड पे लिख के बता रहा है और अपना एक्शन भी कर रहा है, ठीक, तो उनके लिए वीडियो ट्यूटोरियल बेस्ट रहेगा। अब बात आती है कुछ बच्चे ऐसे हैं ना रीडिंग करना पसंद करते हैं ना लिसन ना वॉच, वो कैसे करें? तो उनको एक खूबी रखनी पड़ेगी, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे आती है? जहां आप जिस सीट में काम करते हैं, आपको 5-6 साल हो गए हैं, जो भी काम करते हैं वो आपको काम आता है, उस आने वाले काम को आपको थ्योरी से लिंक करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए मैंने ये लिखा हुआ है प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्चुअल। प्रैक्टिकल जो करते हैं जब आप टेस्ट प्रैक्टिस पे आएंगे,
आपने मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के कई सारे सेट किए, उसमें आपके क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं, तो वो जो गलत क्वेश्चन आ रहे हैं उनके डाउट को अगेन आप बुक या स्टडी मटेरियल से ही वो कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर जहां बुक लिखा हुआ है, अगर हम बात करें बुक्स प्लस नोट्स की, तो नोट्स मदद करते हैं इनको, नहीं करते रीडर को। नोट मदद करते हैं प्रैक्टिकल वाले को, क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने डाउट को यहां से उठा सकता है, ठीक है। अगले लोग आए एनालिटिकल, एनालिटिकल ऐसा ऐसा क्यों होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल भी पता है, थ्योरी पढ़ी, अच्छा ऐसा क्यों, वो लोग उस चीज में घुस जाते हैं, खासकर से जो मैथमेटिकल या साइंस बैकग्राउंड होते हैं वो इस तरह के होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, तो उनके लिए क्या है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। तो ये मैंने आपको बताया कि आप अपने आप को पहचाने, अगर आपने अपने आप को पहचान लिया तभी आप सही स्टडी मटेरियल का चुनाव करेंगे, और ये सही स्टडी मटेरियल को करेंगे जब आप पूरा करेंगे, जो समय 4 महीने यहां पे लिखा हुआ है, तो इस 4 महीने में करेंगे, उस 4 महीने में आर सभी बताते हैं हम आपको, और थोड़ा सा जेआईबी कोर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए 3 पेपर होते हैं इसमें, पहला पेपर क्या है, फाइनेंस फाइनेंशियल सिस्टम, यानी इंडिया का जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है, अगर आपको पता है पूरा, तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम आपको समझ में आता है, जिसमें आपका आरबीआई है, एनबीएफसी है, शेयर मार्केट है आपका, मनी मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, इससे रिलेटेड इंश्योरेंस है, सिबिल है, बीसीएसबीआई है, ये प्लस आपकी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी सेक्टर है, एनपी है, जनरल बैंकिंग है, वो इसमें पूरा कवर होता है फाइनेंशियल सिस्टम में। उसके बाद अगला पार्ट है आपका मार्केटिंग, और उसके बाद अगला पार्ट आईटी। तो जो आईटी वाला है और मार्केटिंग वाला है, ये आपके मतलब 3 और 4 मॉड्यूल जो आपका हुआ है, और अभी रिसेंटली जो है इन्होंने इसमें आईआईबीएफ ने एक मॉड्यूल और जोड़ा है जिसका नाम है एथिक्स ई मॉड्यूल। तो एथिक्स वाला जो मॉड्यूल है वो आपका समवट कुछ एचआर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। एचआर का कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, किन किन चीजों से आप प्रभावित होते हैं, आपका मोरल एजुकेशन क्या है, मोरल लेवल क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आपके ट्रेड्स क्या है, इन सब चीजों को शामिल किया हुआ है एथिक्स में। तो फर्स्ट पेपर में हुआ फाइनेंशियल सिस्टम कंप्लीट, मार्केटिंग और एथिक्स। अब फर्स्ट पेपर में जो फाइनेंशियल सिस्टम की बात आती है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप डेली न्यूज़पेपर देखें, इकोनॉमिक वाला पोर्शन देखें, उसमें कोई भी वर्ड लिखा हुआ जो आपको समझ में नहीं आता तो उसे समझने की कोशिश कर लीजिए। अगर आप 6 महीने न्यूज़पेपर देखते हैं तो कम से कम आपके 10 सवाल तो वहां से पक्के हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात आते हैं हम लोग सेकंड पेपर को हम अकाउंट का पेपर बोलते हैं, लेकिन इसमें अकाउंट प्लस ऑपरेशनल एस्पेक्ट है, मीन्स अकाउंट के बेसिक कॉन्सेप्ट है, बुक कीपिंग है, रेशियोज है, आपका YTM का कॉन्सेप्ट है, फॉरेक्स है, इन सब के साथ ऑपरेशनल एस्पेक्ट यानी KYC वगैरह भी है इसमें। तो ये चीज करने के लिए बता दें, इसको 50-50 बोलते हैं, 50 न्यूमेरिकल और 50 थ्योरी है, लेकिन जो बच्चा जिसमें भी अच्छा है उससे उसका काम हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें पास होने के लिए आपको चाहिए 50 नंबर, और ये 50 नंबर 50 क्वेश्चन सही करके नहीं आते, ये 50 नंबर आते हैं 35 क्वेश्चन सही करके। कैसे, 35 अगर आपने क्वेश्चन सही कर लिए तो बाकी के 65 में आधे डाउट वाले, 1/4 डाउट वाले, 1/3 डाउट वाले होते हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपके 15 क्वेश्चन और ठीक हो जाएंगे। बहुत गारंटी नहीं है, लेकिन जैसे सैंपलिंग का मेथड होता है कि जरूर है कि 90% लोग सक्सेस हो जाते हैं। अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं तो आपको खुद पता है कि आपके 50 वहां सही नहीं थे, सही तो आपके 30-35 ही थे, लेकिन कुछ सही हो गए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आप क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन छोड़ के भी नहीं आएंगे। तो ठीक है, अब बात करें लीगल की। ये थर्ड पेपर है व्हाई वी डू लीगल, कि क्या ऐसे कानून हैं, क्या ऐसे लीगल रीजन है जिसके लिए हम ऐसा करते हैं। जैसे हम लोग रिवेन्यू स्टैम्प पे साइन करवाते हैं, हम लोग रिवाइवल 3 साल से पहले क्यों लेते हैं, हम लोग स्टैम्प पेपर क्यों लगाते हैं, हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करने क्यों भेजते हैं, नोटिस कैसे जाता है, ये सब बातें बता रहा है। तो ये जो सारी बातें बता रहा है लीगल की बता रहा है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफाइन किया कि कोर्स क्या है। कोर्स के बाद अब हम बात करते हैं कि हम इनको मंथ और टाइम वाइज कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे। और इससे पहले एक चीज और सुन लीजिए कि ये जो मैंने कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने आपको, आप खुद को जाने उसी से आप कोर्स स्टडी मटेरियल का चुनाव करें, तभी आपको सक्सेस आसानी से और अच्छी मिलेगी।
जेआईबी करने के लिए ये जो आप जेआईबी कर रहे हैं ये तीनों चीज क्यों करवाई जाती है, ये कर लिया तो समझ लो आपका अच्छी तरह से कर लिया तो प्रमोशन पक्का है। अगर आप अभी क्लरिकल में हैं या वन से टू या टू से थ्री में जा रहे हैं तो कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इसी नॉलेज से आपके आते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम कि इसको हम इस पूरे कोर्स को किस तरह से टाइम फ्रेम में डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटजी आर्स वाइज मैंने डिवाइड की हुई है। ए बी सी डी ई आपके पांच मॉड्यूल हैं। इन मॉड्यूल्स में जिस कैटेगरी के आप हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें आर्स डिसाइड किए हुए हैं। ये मेरे अपने पूरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, कुछ 19-20 हो सकता है लेकिन फिर भी प्रूवन है ये। अब इसमें बोला मॉड्यूल ए, तो मॉड्यूल ए में जो रीडर है कम से कम 25 घंटे लगाए क्योंकि पूरा एक एक लाइन आपको पढ़नी है, और ऐसे ही मॉड्यूल बी में भी 25 घंटे लगाए, मॉड्यूल सी में 20 आवर और मॉड्यूल डी में भी 20 आवर और मॉड्यूल ई में करीबन 8 आवर्स के आसपास। बाकी जो टाइम बचेगा उस टाइम में ये जो टाइम दिया हुआ जो आपका कुछ छूट गया है या लेट सम अप है या क्वेश्चन है उसको आप इंक्लूड करके ये आप 100 आवर्स का रीडिंग बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लिस्नर वॉचर वाले के लिए। तो लिस्नर वॉचर के लिए क्या है, रीडिंग नहीं करनी तो क्या होता है, वीडियो क्या होता है जल्दी से आपको पूरी क्रक्स बता देता है और उस पूरे बुक टेक्स्ट में से जो ग्रामर का पार्ट है उसे हटा देता है और कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट हटा देता है, कंक्लूजन का पार्ट हटा देता है, केवल फैक्ट की बात करता है वीडियो वाला। ठीक है, और साथ साथ क्या कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता है आपका। तो वो आप अगर वीडियो या लिस्नर वॉचर वाले हैं तो पहले वाले में 12 घंटे इसलिए लगाना है क्योंकि फैक्ट इसमें ज्यादा है, दूसरे वाले में 10 घंटे इसलिए क्योंकि इसमें बैंकिंग का भी एस्पेक्ट है तो बैंकिंग एस्पेक्ट आप लोग करते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग वाला, 10 घंटे इसलिए बोला हुआ क्योंकि ये चीज समझ में नहीं आती है एक बार में, हो सकता है दो बार देखना पड़े आपको। डी वाला टेक्निकल है, आप लोग सब लोग क्वालिफाइड लोग हो, टेक्निकल आसान है आपके लिए, जल्दी से समझ जाते हो क्या कह रहा है। और ई एथिक्स में नया मॉड्यूल जो है इसमें 3 आवर आपको देने पड़ेंगे। अब बात आती है उन लोगों की जो लोग प्रैक्टिकल अप्रोच वाले हैं, तो प्रैक्टिकल अप्रोच वाले जो हैं उनके लिए स्पेशल टाइम कम है, क्यों, क्योंकि वो काम कर रहे हैं उन्हें पता है ये चीज़ें क्या क्या होती हैं, केवल उसको कोरिलेट करना है। आपको मॉड्यूल ई में लेना है 10, मॉड्यूल ए में लेना है 10 घंटे और मॉड्यूल बी में 5 घंटे, सी में 5 घंटे, डी में 4 घंटे और इसमें 5 घंटे। तो इस तरह से आपको ये 20 से 25 मिनट का 30 मिनट का है इस तरह से शेड्यूल करना है। एक घंटा जो बचेगा आप उसमें लेट सम अप और क्वेश्चन करेंगे। तो ये मैंने तीनों के लिए बता दिया केवल फर्स्ट पेपर के लिए, और ये जो फर्स्ट पेपर है फर्स्ट पेपर फैक्ट्स बेस है, आप लोगों को थ्रू करना है। इसके जो लेट सम अप है लास्ट में एक पैराग्राफ दिया हर टॉपिक वो जरूर कर लें, उसके बाद की एक्सरसाइज जरूर कर लें, हो सकता है 20 से 25 क्वेश्चन सीधे सीधे वहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया फर्स्ट पेपर का, मैंने आपको ये बिल्कुल यहां पे क्लियर कर दिया है। सेकंड पेपर में आपके 4 मॉड्यूल है और 4 मॉड्यूल में जो पहला मॉड्यूल है ये मोस्टली न्यूमेरिकल मॉड्यूल है और स्कोरिंग भी है ये, क्योंकि इसमें आपका ईएमआई रिलेटेड है, फॉरेक्स वाला है, डेप्रिसिएशन है, तो ये जो टॉपिक्स हैं आपका पहला वाला जो है इसमें एन्युटी वगैरह भी है, बॉन्ड वैल्यू वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये वाला जो मॉड्यूल है वो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। सेकंड में आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बेसिक अकाउंटिंग डेफिनेशंस हैं वो सब कवर होता है। थर्ड में आपका रेशियोज वगैरह के टॉपिक आ गए हैं और फोर्थ मॉड्यूल में आपका ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल बेसिकली केवाईसी से रिलेटेड आपके एस्पेक्ट हैं, कंपनी बैंक की जो बैलेंस शीट है वर्क करती है कैसे कैसे करती है वो सब चीज़ें दी हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो रीडर लोग हैं वो इन दोनों पोर्शन में ज़्यादा समय लगाएंगे क्योंकि रीडर के लिए क्या है उन क्वेश्चंस को एक एक लाइन टू लाइन देखना पड़ता है और थ्योरी है पूरी पूरी थ्योरी है आपको देखनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल थोड़ा थ्योरी इसलिए टाइम कम हो गया है और लास्ट वाले में क्या है केवल पॉइंट्स आपको रखने हैं क्योंकि बैंकर हैं, कुछ चीज़ें आपको पता है केवाईसी के ऑपरेशन में अपनी जो नॉलेज है उसको रिफाइन करना है आपको। ठीक है, जो लोग लिस्नर या वॉचर हैं वो इसमें 12 घंटे में कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसके सामने सब कुछ हो रहा है, क्लेरिफिकेशन चल रहे हैं, रिविजिट नहीं करना पड़ता, यहाँ आपको रिविजिट करना पड़ता है क्योंकि कैसे ये हुआ आपको नहीं पता। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला है आपके पॉइंट्स हैं लेक्चर्स में बता रखे हैं सारे वो देख लेंगे आप, इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों हैं,
इसमें आपका जो 20 घंटे यहाँ लग रहे हैं वो 8 घंटे में हुए, क्योंकि लेक्चर्स में वो पॉइंट पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, ठीक है। जो प्रैक्टिकल वाले लोग हैं इसमें 10 आवर्स हैं, मैथमेटिकल उनका अच्छा होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो लेके है, और 6-6 घंटे यहाँ पर देना। तो इस तरह से वो आपका जो सेकंड पेपर है वो होगा, और सेकंड पेपर को 50-50 पेपर बोलते हैं, 50 न्यूमेरिकल और 50 थ्योरी। तो जिन लोगों का बैंकिंग बैकग्राउंड नहीं है यानी कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, उन लोगों को लगता है ये पेपर टफ है, लेकिन अगर वो भी इस पेपर को ढंग से समझ लेते हैं तो भी काम हो सकता है। कई बच्चों का कहना है अकाउंटिंग नहीं समझ में, अगर आपको अकाउंटिंग नहीं भी समझ में आ रही है तो भी थ्योरी प्लस जो पहला वाला मॉड्यूल है उसमें अकाउंटिंग नहीं है, मैथमेटिक्स है, प्लस जो आपका डी वाला मॉड्यूल है जिसमें केवाईसी है उससे भी आप पास हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कोर अकाउंटिंग वाले दो ही हैं, जिनमें बी और सी मॉड्यूल ही कोर अकाउंटिंग है, जिसमें बी में क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बैलेंस शीट क्या है, वो सारा कुछ बता रखा है, और इस सी वाले में तो जो है आपका 2-3 रेशियो है, बैलेंस शीट इक्वेशन है, ट्रायल बैलेंस वगैरह। तो कोर अगर अकाउंटिंग को छोड़ के ही पास हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी कर रहे हैं और फिर कुछ छोड़ दे चल रहे हैं तो फिर वो वहाँ पॉसिबिलिटी थोड़ी आपकी कम हो जाएगी। ये सेकेंड वाला पेपर आपको ये समझ में आ गया होगा, जैसा मैंने आपको बताया आप उसी तरह फॉलो करिएगा। चलिए अब थर्ड पेपर की बात करते हैं। तो थर्ड पेपर में भी क्या है, सेकंड पेपर की तरह 4 मॉड्यूल हैं, और उन 4 मॉड्यूल में जो रीडर स्टूडेंट्स है उसको क्या है सबसे ज्यादा समय यहाँ देना है। रीजन क्या है इसको यहाँ सबसे ज्यादा समय देने का, क्योंकि इस पार्ट में करीबन 30 टॉपिक हैं, और 30 टॉपिक एक एक दो दो पेज के हैं, अगर आप ढंग से पढ़ ले रहे हैं तो काम हो जाएगा। और ये सी और डी मॉड्यूल जो है 60-70 क्वेश्चंस का आता है, अगर आप लीगल का पेपर देने आ रहे हैं तो सी और डी मॉड्यूल को बहुत ही ध्यान से आप पढ़ते जाएं, एक एक चीजों को फैक्ट को बिल्कुल रट लें, क्योंकि कम से कम 25 क्वेश्चन तो फैक्ट पे आते हैं कि इसकी लिमिट बता दीजिए बस, सिंपल इतना ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो 25 घंटे 25 घंटे 20 घंटे 30 घंटे, और लिसनर वॉचर के लिए क्या है उनको इन दोनों में समय ज्यादा देना है, 10 घंटा और 15 घंटा, बाकी यहाँ पे 8 घंटा 7 घंटा देकर भी काम चल जाएगा। जो प्रैक्टिकल अप्रोच वाले हैं उनके लिए अगेन फिर यहाँ टाइम कम किया गया, उनके लिए यहाँ टाइम 10-10 घंटा ही दिया हुआ है, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है प्रैक्टिकल अप्रोच वाले। फिर मैं एक बार और बोल रहा हूँ कि लीगल का पेपर फैक्ट्स में आपको सारी बातें फैक्ट के रूप में याद करनी है, और वो याद इस तरह करनी कि एग्जाम पेपर में आपको याद आए, कि क्योंकि वो पूछेगा इसमें से कौन सा वाला नहीं है कौन सा है, तो कोई भी एक पॉइंट बोलेंगे तो वहां गड़बड़ जाएगा। तो ये मैंने अपने हिसाब से आपकी आप कौन हैं और आपको कैसे कौन कौन से मटेरियल फॉलो करने चाहिए और उसके बाद उसको कैसे पढ़ना चाहिए। अब बात आती है हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हमारा जो है सबसे जो है कॉन्सेप्चुअलिटी और जो प्रैक्टिकल एनालिटिकल लिसनर वॉचर है, इनके लिए हमारा जो मटेरियल है वो रेडी है, यानी वीडियो कोर्स रेडी है। ये हमारा अब तीसरा बैच होगा, और इस बार करीबन जो है 1000+ बच्चे जो है हमारे चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप से जो लोग थे या फेसबुक ग्रुप से जो लोग जुड़े थे, उन लोगों ने जेआईबी का जो है एग्जाम क्लियर किया हुआ है। ये हमने जितने बच्चे हमारे वहाँ से कोर्स लेते हैं या वो करते हैं उनके हमने नेम और मार्क्स लिखे हुए हैं बच्चों से पूछ पूछ के, जिन लोगों ने इस बार का ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। तो ये तो केवल उतना डेटा है जो हमको यहाँ मिल पाया है। कई बच्चे अपने मार्क्स वगैरह शेयर नहीं करते, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक आध एग्ज़ाम में रह जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते। तो इस तरह से हमने ये पूरा जो है अपना रिकॉर्ड रखा हुआ है। इस रिकॉर्ड के साथ साथ हमारे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जो है मैसेज करते हैं कि हमने ये वाला एग्ज़ाम पास कर लिया है। तो उनकी जो जितने भी बच्चे हैं हमारे पास जो जो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो उनके मार्क्स शेयर होते हैं, और वो मार्क्स शेयर कैसे होते हैं अगर आप हमारे ये देखेंगे तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में पूरे जो पी जहाँ लिखा हुआ है, हमने पी लिखा हुआ है, पी मीन्स वो बच्चे पास हुए हैं। तो जितने बच्चे पास होते हैं वो हमको मैसेज करते हैं, हम उनको पी नाम से उसको उनका जो नंबर सेव कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जिनके नाम के आगे पी लिखा हुआ है, इन लोगों ने हमारे वहाँ से इस बार कोर्स ले करके या हमारे वीडियोस देख करके ये एग्ज़ाम पास किया हुआ। जिनके नाम के भी आगे पी लिखा हुआ है तो पी वाले बच्चे जो हैं ये कोर्स जो पास कर लेते हैं वो लोग होते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि आप जीआईबी को सिंगल अटेम्प्ट में कैसे पास करें,
उसके लिए काफ़ी कुछ मैंने बताने की कोशिश करी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो है ये पेपर सिंगल अटेम्प्ट में पास हो जाए और आप फिर नेक्स्ट सीआईबी की तरफ जाएं। जिन बच्चों को अगर हमारा कोर्स मंगवाना है वो रेडी है, उस कोर्स के लिए आपको सिंपल इसमें एक व्हाट्सएप करना है, उस व्हाट्सएप के थ्रू हम आपको पूरी डिटेल देंगे। और अभी नॉर्मली हमारे वहाँ जो प्राइसिंग का पैटर्न होता है, एग्ज़ाम के तुरंत बाद हम लोग उसमें हैवी डिस्काउंट देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके वो पीक प्राइसेस पे रहता है, और एग्ज़ाम से 10-5 दिन पहले भी हम हैवी डिस्काउंट देते हैं। लेकिन उसकी रेलिवेंसी आप समझ लीजिए, अगर आप कोर्स टाइम से लेंगे, पूरा करेंगे, आप हमारे वहाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे और उसके बाद जो है आपकी क्वेरीज वगैरह रिजॉल्व हो जाती हैं, एक कंपटीशन चलता है, बच्चों में एक दूसरे को देख के मोटिवेशन आता है और सारे एक ही तरह के लोग जब एक जगह बैठते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ग्रुप की तरह ऑर्गेनाइज सिस्टम में हो करके वो काम करते हैं और उनको सक्सेस मिलती है। हाँ, इस वीडियो के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर किसी बच्चे ने पिछले बार कोर्स लिया था उसको शिकायत होती है, और ये भी हम मानते हैं कि 100% हमारे बच्चे पास नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि आपको कोर्स लेने से पास होने की गारंटी नहीं दे रहे। कोर्स लेने के बाद स्ट्रेटजी, उसकी स्टडी, अगर आप वो करते हैं तो हम बिल्कुल गारंटी ले रहे हैं कि आप पास होंगे। तो जिन लोगों को कोर्स टाइम से चाहिए वो टाइम से मंगा लीजिए। और हम इस बार जो है MCQ सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, प्लस जो है रीडिंग वालों के लिए भी नोट्स तैयार कर रहे हैं। जिन लोगों को नोट्स चाहिए, जो नोट्स से पढ़ना पसंद करते हैं, जो ये रीडिंग हैबिट वाले थे या ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट वाले भी, जो उनके लिए बताया था मैंने कि नोट्स अच्छा रहता है, तो आप लोग तैयारी करिए। ओके, गुड लक फॉर योर एग्जाम।